अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में जवाहिरी पहली बार कश्मीर को लेकर बात करता हुआ नजर आया। वीडियो में जहर उगलते हुए जवाहिरी ने कश्मीर के आतंकवादियों की मदद करने की अपील की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण स्वामी जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ इस वीडियो में सामने आया, क्या कुछ जवाहिरी की तरफ से कहा गया है? अयमान अल जवाहिरी ने कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि कश्मीर में सारे जो जिहादी ग्रुप हैं वो मिल के काम करें ताकि भारत के सरकार पे और भारत के फौज पे मैक्सिमम दबाव डाला जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान पे भरोसे जिहादियों को भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान में जो फौज रही है उसने कश्मीर के जिहाद को के साथ धोखा किया है जी। और तीसरी उसमें अहम बात उन्होंने ये कही है कि जो कश्मीर में जिहादी हैं उनको सारे ग्लोबल जिहादी मूवमेंट के साथ मिल के काम करना चाहिए, जिससे उनका इशारा यही है कि अलकायदा की लीडरशिप के अंडर इनको काम करना चाहिए जी। यानी प्रवीण, साफ तौर पर किस तरीके से अलकायदा लगातार एक्टिव है कश्मीर में, तमाम साजिशों को अंजाम दे रहा है, इस पहले वीडियो से एक बार फिर से सामने आ गया है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो अयमान अल जवाहिरी पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कहीं छुपे हुए हैं, और ओसामा बिन लादेन के मौत के बाद उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की ताकि अलकायदा हमारे रीजन में, इंडिया पाकिस्तान इस इलाके में अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए और काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। एक उनने नया ग्रुप बनाया था अलकायदा के अंदर, जिसको अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बुलाया जाता है। उसके लीडर उत्तर प्रदेश के रहने वाले सनाउल हक हैं, और उनका ये शुरू से मकसद रहा है कि वो इंडिया की तरफ अलकायदा का जोर बढ़ा पाए। कश्मीर में उन्होंने काफी सफलता हासिल की है, जहां लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन में पहले जो कुछ जिहादी थे वो अलकायदा में शामिल हो गए हैं जी। और ये कई सारे वीडियो उन्होंने रिलीज किए हैं ये कहते हुए कि देखिए, हम कश्मीर में लड़े जा सकते हैं लेकिन भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भारत जीत ही जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कश्मीर में लड़ने की जगह भारत के शहरों पे, बिजनेसेस पे, सरकारी एस्टेब्लिशमेंट्स पे हमला करें। और ये एक और बहुत बड़ा अब इशारा है कि इस प्रोग्राम पे अलकायदा जोर दे रहा है, क्योंकि जैसे कि आपने कहा था, अलकायदा ने पहले कश्मीर के बारे में कोई पूरा वीडियो ऐसे कभी इश्यू नहीं किया है जी। बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।